गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे मैराथन क्लास की सीरीज में एक नजर में ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। वैसे ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर भी बहुत बार पूछे गए प्रश्नों में हम इन टॉपिकों को भी शामिल करते हैं। आज शाम 7:30 बजे हम लेकर आएंगे 365 सीरीज में पहली क्लास, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई हैं उस पर विवरण प्रस्तुत होगा, उस पर सारी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। सभी को मैं फिर सूचित कर दूं कि आप इस रिवीजन क्लास को केवल रिवीजन के दृष्टिकोण से ही देखिएगा। ये वो क्लास नहीं है जिसमें आप कहेंगे कि कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। एक नजर में हम उस विषय के सभी पहलुओं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कवर करना था, कौन से फैक्ट देखने चाहिए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एक नजर में ओशनोग्राफी। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। साथ ही साथ इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो अब आपके पास एक बेहतरीन प्लान है 28, 29, 30 तीन दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन में बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। वीकेंड बैच बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान का आइडिया लेना चाहते हैं तो इसी दौरान मैं कह सकता हूं कि आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इन तीन दिनों में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में। रिफर कोड MK Live जरूर याद रखिएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। 22 अक्टूबर से हम कंप्लीट फाउंडेशन बैच ला रहे हैं और 365 सभी सरकारी योजनाओं पर से पहली शुरुआत कर रहे हैं। इसी में हम साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि मुझे कुछ स्टूडेंट ने आज सुबह बताया कि बोले सर अधिकतर चैनलों पर पॉलिटी और हिस्ट्री तो मिल जाता है लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में हमें PT 365 अगर काफी बेटर मिल जाए। तो इसी कारण से परसों के दिन हमारा साइंस टेक्नोलॉजी PT 365, और हो सकता है कि उसी दिन आपको मैं इकोनॉमिक्स 365 दोनों अवेलेबल करा दूं ताकि ये दोनों ही चीजें काफी मजबूत हो सके। मुझे भी ऐसा लगता है कि दो चीजें अगर बच्चों की कवर अच्छे से हो गई तो पैटर्न जो भी हमने अभी तक फॉलो किया है उसके तहत 60 क्वेश्चन वो आसानी से कर पाएगा। तो यह दो सब्जेक्ट अगर करंट वाले कवर हो गए तो बहुत बेहतर होगा उसके लिए अपने बाकी 20 या 30 क्वेश्चनों को और प्रॉपर तरीके से हल करने में। सबसे पहली बात कि पूरे ओशनोग्राफी में बहुत ज्यादा टॉपिक हमें पढ़ने नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉपिक की तैयारी हमें करनी है। ओशनोग्राफी में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही लिमिटेड आपको टॉपिक पढ़ने हैं, और यदि आप उन टॉपिकों पर गौर करना चाहे कि सर एक संक्षिप्त में बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो ये आज हम पूरा रिविजन करेंगे। लेकिन महासागरीय धाराएं,
महासागरीय लवणता और ज्वार भाटा प्रवाल भित्ती, ये चार टॉपिक मेरे हिसाब से समुद्र विज्ञान में जाने से पहले थोड़ा बारीकी से देखकर जाइएगा। चार टॉपिक थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न का मटेरियल देते हैं और इसी कारण से इनसे सवाल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और इसी कारण से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सारे टॉपिकों को एक नजर में जरूर देख लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ओशनोग्राफी में हमें तीन बड़े महासागरों पर चर्चाएं करनी है। कितने महासागर हैं? अब पांच महासागर हो चुके हैं। पांचवें महासागर को इस वर्ष ही मान्यता दे दी गई है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता दूं कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, पर चौथे नंबर पर इसी साल मान्यता प्राप्त दक्षिण महासागर है, दक्षिण महासागर। एक्चुअली में ये हम काउंट करते थे लेकिन इसको मतलब एक तरीके से स्वीकार किया जाना, जैसे आप लोग पता है कि पहले नौ ग्रह हुए, फिर आठ ग्रह कर दिए, एक परिभाषा दे दी गई, फिर नवे ग्रह को हटा दिया गया। तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वैज्ञानिकों का समूह होता है जो तय करता है कि इसको हम स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस बार इसको मान्यता मिल चुकी है और पांचवें नंबर पर आता है आर्कटिक ओशियन, जो उत्तरी ध्रुव की ओर मिलने वाला महासागर है। और इसके लिए ट्रिक्स भी हमने आपको बताई थी, पैसा, इसके लिए ट्रिक्स भी हमने देखी थी, पैसा। तो इसमें हमें प्रशांत महासागर पर ध्यान देना है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर पर। अधिकतर जगह इन तीन महासागरों का हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन महासागरों की यदि हम बात करें तो पांच महासागर हमें देखने होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पृथ्वी पर यदि हम जलमंडल की बात करें, यदि हम पृथ्वी पर बात करें पानी का जो वितरण है, तो 79% या सॉरी 71% या 70.9%, अगर एग्जैक्ट डाटा ले तो 70.9% या अप्रोक्सीमेटली ले तो 71% और 29% हमारे पास स्वच्छ जल है, लैंड वाटर है, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ये हमारे पास जल का क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है और ये स्थल का क्षेत्र है। इस चित्र को थोड़ा समझिएगा, मैंने आपको जियो मार्फोलॉजी में बताया था कि वास्तव में पृथ्वी किससे मिलकर बनी है, प्लेट से मिलकर बनी है। प्लेट क्या है? स्थल मंडल की मोटाई। तो इसी प्लेट में जहां पर भी स्थल थोड़ा ज्यादा मोटा है, हम कहते हैं कि वहां पर लोग रहने लग गए, जीव जंतु रहने लग गए और एक तरीके से वो महाद्वीप कहलाया। और जहां पर भी आपका जो प्लेट है या स्थल मंडल है थोड़ा कम मोटाई वाला है, वहां पर एक तरीके से गहराई बन गई तो पानी का जमा हो गया, तो ये जल का क्षेत्र है। तो हमारे पूरी पृथ्वी पर 70.9% या 71% जल का क्षेत्र है जो हमें पढ़ना है। इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको स्थल मंडल के बारे में पढ़ाया था, जो मार्फोलॉजी में हमने देखा था कि स्थल मंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आज हम इसके जल क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे कि यह जो पानी के अंदर ढकी हुई संरचना जिसे हम समुद्र या फिर उसके बड़े रूप के रूप में महासागर कहते हैं, ये वास्तविक रूप में किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो यदि हम पानी के वितरण की बात करें तो ये जो पूरे के पूरे पृथ्वी पर पानी उपस्थित है, इसमें 97% वाटर पूरी तरह से लवणीय पानी कहलाता है जो महासागरों के अंदर है। तो यदि हम पानी की बात करें
3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मतलब लगभग 75% कह रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट की बात करें तो 70.9% 71% जमीन की सतह पानी से ढकी हुई है। इस पानी में ओशियन में महासागरों में मिलने वाला पानी 97.3% है, जिसे लवणीय या सलाइन वाटर कहते हैं। जो बर्फ की टोपियां आपको आर्कटिक में, अंटार्कटिक में और बड़े पर्वतों के ऊपर मिलेगी, वह शुद्ध पानी का लगभग 2% वहन करता है। शुद्ध पानी का वह 2% है। जो भूमिगत पानी है, जमीन के अंदर पानी है, वो 0.68% है। और फिर वह जो स्वच्छ पानी की झीलें हैं, वह 0.009%। और इसी रूप में यदि हम बात करें, जो समुद्र के किनारे पर झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर की ओर जो लवणीय झीलें हैं, उनके अंदर यदि हम पानी की मात्रा कहें तो वो भी लगभग उतनी ही है। वायुमंडल में पानी 0.0019 है। और जो नदियां आप लोग देखते हैं, बस मैं इसलिए आपको यहां तक लेकर आया क्योंकि आप में से कई लोगों ने नदियां देखी हैं अपने आसपास की, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो विश्व में जितनी नदियां हैं, अब आप इमेजिन करिए, विश्व में जितनी नदियां हैं वो केवल पानी का 0.0001% है, या हम कहेंगे कि उससे भी कम प्रतिशत इसको आप देख सकते हैं। तो उससे अंदाजा लगाइए कि आइस कैप में कितना पानी होगा, उससे अंदाजा लगाइए कि महासागरों में कितना पानी होगा, उससे अंदाजा लगाइए कि भूमिगत जल कितना है, और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक तरीके से लेक्स झीलों के अंदर कितना पानी मौजूद है। अगर हम बात करें एक तरीके से परसेंटेज के रूप में, तो 97% हमने कहा कि महासागरीय जल हैं, बचा हुआ 3% मोटे तौर पर स्वच्छ जल हैं। इन 3% में भी यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा आइस केप और ग्लेशियर में वाटर हैं, और उसके बाद ग्राउंड वाटर में सेकंड नंबर पर आएगा स्वच्छ जल में, और थर्ड नंबर पर आएगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी अगर हम जो हमारे पास मिलने वाला पानी है उसमें 52% झीलों के अंदर हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 38% सॉइल मॉइस्चर के रूप में है, 8% वाटर वेपर के रूप में है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, हम बातचीत करने जा रहे हैं कि ठीक है भाई 3% फ्रेश वाटर है, उस 3% में सबसे ज्यादा कौन सा पानी है, तो आइस कैप है, उसके बाद ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर और आइस कैप के बाद जो पानी बच गया वो वास्तव में हमारी पहुंच तक माना जाता है, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो सबसे अधिक पानी की मात्रा महासागरों में 97%, फिर आइस कैप, थर्ड पर यदि हम बात करें तो भूमिगत जल कहेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था, और चौथे नंबर पर हम झीलों की बात करेंगे, पांचवे पर वायुमंडल की, और सबसे अंत में नदियों में मिलने वाले जल की हम बातचीत करते हैं। तो भारत पृथ्वी पर यदि हम बात करेंगे महासागरीय जल की, पृथ्वी पर यदि हम बात करें लवणीय जल की, तो लगभग 97% हम मानते हैं। आइए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं महासागर में सबसे पहले महाद्वीपीय उच्चावच। एक्चुअली महासागर की संरचना यदि हम देखें, मान लीजिए कि मैं आपको हिंद महासागर में मुंबई पर लेकर जाऊं और मुंबई के किनारे खड़ा कर दूं, तो इमेजिन करिएगा थोड़ा सा, तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये मुंबई है भाई, यहां पर सारे विद्यार्थी खड़े हो गए और मैं भी यहां पर हूं, और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, अरब सागर की शाखा इधर। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो पानी भरा हुआ हमें दिख रहा है ब्लू कलर में, यहां पर जो पानी भरा हुआ हमें दिख रहा है, तो मैं आपको ये पानी हटाकर यदि दिखाऊं, अगर मान लीजिए इमेजिन करिए कि ये पूरा पानी, कल्पना करनी है बस, कि ये पूरा पानी हमने हटा दिया, तो आप देखोगे कि ये जो भारत का नक्शा है ये वास्तविक रूप में ऐसा जैसे दिख रहा है
वास्तविक रूप में आप देखेंगे कि भारत ही और आगे की ओर आप थोड़ा सा बढ़ने लग गए पानी को घटाने के बाद, तो आप थोड़ा सा उतरती हुई जगह पर आ रहे हैं, फिर अचानक आपको थोड़ी गहराई ज़्यादा दिख रही है, फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ तो पूरा समतल मैदान है, यहाँ तो पूरी तरह से समतल मैदान है, और कुछ जगह पर आपको गहरी खाइया भ्रंश जैसे ज़मीन पर मिलते हैं, वैसे यहाँ कंदरा मिलेगी, कंदरा कैनियंस कहते हैं उन्हें, तो ये यहाँ पर आपको कुछ जगह कैनियंस मिलेगी, बहुत गहरे गड्ढे मिलेंगे। तो इसी संरचना को हम कहते हैं कि यह महासागरीय महाद्वीपीय उच्चावच की हम बातचीत करने जा रहे हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जब हम किसी भी समुद्र में जाएंगे तो किसी भी समुद्र में सबसे पहली जो संरचना हमें मिलती है वह एक तरीके का महाद्वीपीय मग्न तट होता है। नाम पर गौर करना, मग्न मतलब डूबा हुआ और तट मतलब वो महाद्वीप का ही किनारा है, वो मुंबई की ही जमीन है जो पानी में डूब गई है, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट होता है। अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे इसे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की खासियत होती है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में उतना ज्यादा एक तरीके से स्लोप नहीं मिलेगा, ढाल नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक ही ढाल बढ़ेगा तो उसे आप कहेंगे कि अभी भी महाद्वीप है, अभी भी मुंबई वाली जगह पर ही, मुंबई वाली जमीन ही आगे बढ़ रही है, तो वो कहलाएगा महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ आपको कुछ उभार मिलेगा और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर से लगातार जो मिट्टी बहकर आती है वो जहाँ पर जमा हो जाती है क्योंकि स्लोप के अचानक समाप्त होने के कारण यहाँ मैदानी संरचना मिलती है, तो ये पूरी तरह से उत्थान कहलाता है, कॉन्टिनेंटल उत्थान। और रियलिटी में ये पूरा महाद्वीप का हिस्सा है, ये भी महाद्वीप का ही हिस्सा है, ये सारी संरचनाएं महाद्वीप का ही हिस्सा है। यहाँ से लेकर फिर महासागरीय जो निचला हम कहेंगे कि चट्टानी संरचनाएं जिसे हम कहते हैं कि बेसाल्ट की चट्टानी मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, जिसे कहेंगे वितल मैदान, अबाइजल प्लेन, और उसी के बीच बीच में आपको कुछ जगह पर गहरी खाइया मिलेगी जिन्हें कंदरा कहा जाता है, केनियन कहा जाता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, फिर मैदान और फिर अंत सागरीय कटक, इस तरीके से समुद्र में हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिलेगी, संरचनाएं मिलेगी, विभिन्न प्रकार के हमें अलग अलग उच्चावच मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने लोग मेरी बात ये समझ पाए हैं जरा इस पर गौर करिएगा। यदि हम हिंद महासागर को देखना चाहें और यदि हम मुंबई से देखना चाह रहे हैं हिंद महासागर को, तो हम इधर की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ दूरी पर मिलेंगे मग्न तट, डूबे हुए किनारे मिलेंगे, फिर डूबी हुई ढाल मिलेगी, पूरी तरह से डूबी हुई ढाल मिलेगी, फिर उत्थान मिलेगा, फिर मैदानी संरचना मिलेगी, और बीच बीच में हमें कुछ गहरी खाइयां मिलती हैं जिन्हें कंदरा या केनियन के नाम से जाना जाता है। अगर हम थोड़ा सा मैप के रूप में देखते चले तो आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए समुद्र का किनारा है, यहाँ पर आप खड़े थे और मैंने ये पूरा पानी हटा दिया, तो आप कहेंगे कि सर थोड़ी धीमे धीमे उतरती हुई ज़मीन है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो 200 मीटर की गहराई तक मिल सकते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, बहुत उतरती हुई जगह मिलेगी, उसके बाद अचानक थोड़ा सा उत्थान मिलेगा, और ये मैदानी भाग है। बीच बीच में कहीं पर ट्रेंच भी मिलते हैं, गहरे गर्त मिलते हैं, अगर मैदानी भाग में मिले तो उन्हें गर्त कहेंगे, और यदि इस जगह पर गहरी कुछ संरचनाएं मिलने लगे तो इसको कंदरा कहते हैं, इसको कहा जाता है केनियन, कंदरा कहा जाता है। जैसे कि सबसे गहरी जो गर्त है प्रशांत महासागर में मिलती है, जिन्हें हमने मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। तो एक एक संरचना को पढ़ते चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको महासागरों का एक और वर्गीकरण यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। महासागरीय जो भी संरचना होती है या महासागरीय जो विभाजन होता है वो कई आधारों पर होता है। जैसे महासागर को प्रकाश कितना अंदर तक जा पा रहा है उसके आधार पर भी महासागरीय क्षेत्रों को बांटा जाता है। प्रकाश की मात्रा के आधार पर महासागरीय जितने भाग में प्रकाश की लगभग पूरी तीव्रता मिलती है उसे कहते हैं फोटिक जोन।
ये फोटिक जोन वो होता है जहां पर सूर्य प्रकाश लगभग 100% 90% तीव्रता के साथ मिलेगा। लगभग यह हम कह सकते हैं कि 100 मीटर की गहराई तक होता है और माना जाता है कि इसी में पूरे के पूरे जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव है, डाइटम, शैवाल, यहीं पर मिलेंगे। और जब उत्पादक प्रोड्यूसर यहीं पर है तो कंज्यूमर भी यहीं पर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा जीवों की सघनता यहाँ पर मिलेगी। पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश की कम तीव्रता में भी जीवन यापन करते हैं, वो इस जगह मिलेंगे जिसे डायस्फोटिक जोन कहा जाता है, जिसमें विसरित प्रकाश आता है, डिफ्यूज लाइट आता है और सबसे अंत में कहलाते हैं बेंथिक, जो कि एफोटिक जोन कहलाएगा। यहाँ प्रकाश कभी पहुँचता ही नहीं है, मतलब समुद्र में एक लिमिट के बाद प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता है, वो पूरी तरह से अंधेरे वाला क्षेत्र माना जाएगा। यहाँ पर यदि कोई जीव मिलेगा तो इस जीव की ये खासियत होगी कि इस जीव में कहीं से कहाँ तक आंखें नहीं होगी, संवेदी मतलब आंखों की जैसे प्रकाश संवेदी अंग नहीं होंगे, क्योंकि इनका पूरा जीवन अंधेरे में ही बीतता है। ये अपना पूरा जीवन चक्र सबसे निचले जोन में कंप्लीट कवर करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें समुद्र में, तो समुद्र का एक और वर्गीकरण किया जाता है, समुद्र के क्षेत्र को एक और रूप में बांटा जाता है। और यह जो वर्गीकरण किया जाता है उसकी गहराई के आधार पर, जैसे कि समुद्र में ये जो किनारा होता है, इस किनारे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं लिट्टोरल। क्या कहते हैं? लिट्टोरल। इसे कहते हैं बेंथिक, और इस वाले बीच वाले खुले भाग को कहते हैं पेलेजिक। पेलेजिक, तो लिट्टोरल, बेंथिक और पेलेजिक, ये शब्द आप लोग थोड़ा हिंदी में ही लिट्टोरल को तटीय कहते हैं, पेलेजिक को पेलेजिक ही कहते हैं। पेलेजिक मतलब बीच वाला भाग और बेंथिक, तो ये भी एक बड़ा वर्गीकरण है। कहीं किसी जलाशय के अंतर्गत हम लिट्टोरल भाग की बात अगर करेंगे तो किनारे की बात करेंगे, उसके तल की बात करेंगे तो बेंथिक की बात करेंगे, इसको छोड़कर सब की जो बात करेंगे वो पेलेजिक। तो जो मछलियां होती है वो पेलेजिक रीजन में मिलेगी, कुछ जीव जिनके पास अंधेरे में रहना है उन्हें वो बेंथिक रीजन में मिलेंगे, और कुछ पेड़ पौधे जैसे कि जो समुद्र के किनारे पर मिलने वाले लवणीय पौधे होते हैं वो दलदली जमीन पर मिलते, उसे लिट्टोरल कहा जाता है। तो प्रकाश की गहराई के आधार पर भी समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण होता है। समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण उनकी गहराई या किनारे का क्षेत्र है कि निचला क्षेत्र है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण होता है। और जो उच्चावच के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मग्न तट मिलेंगे, फिर मग्न ढाल मिलेंगे, फिर उत्थान मिलेगा, फिर मैदान मिलेगा। अब आइए जरा एक एक संरचना को देखते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट, वैसे इसका नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, और इस महाद्वीपीय क्षेत्र में ही सारे मत्स्यन के कार्य होते हैं। इस महाद्वीपीय क्षेत्र में ही सारे मत्स्यन मतलब 90% बायोमास यहीं पर मिलता है। खनिज संसाधन जितने भी आप लोगों को पेट्रोलियम मिलेंगे तो खनिज संसाधन आपको यहीं पर मिलेंगे, खनिज संसाधन यहीं पर मिलते हैं, 90% जैव द्रव्यमान यहीं पर होता है। यहां पर 1 डिग्री से भी कम स्लोप होता है, स्लोप बहुत ही धीमा होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मग्न तट है ये महाद्वीप का ही पानी में डूबा हुआ हिस्सा है, महाद्वीप का पानी में डूबा हुआ हिस्सा है, पानी में डूबा हुआ हिस्सा है। यहां एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मग्न तट वहां चौड़े होंगे जहां पर बर्फ पिघल रही होगी। मग्न तट चौड़े कहां होंगे, अब जरा मेरी बात समझिएगा। अगर आप में से कई सारे लोग मेरी बात कंफ्यूज कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यह पूरा का पूरा महासागरीय क्षेत्र है, पानी इसके अंदर पूरी तरह से है, तो हम देखेंगे कि यह जो किनारा है महासागरों का, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके का होता है, ऐसा मतलब डायरेक्टली ऐसा समतल महासागर नहीं है कि पानी हटाया, तो इस तरीके का उभार होता है।
मतलब एक तरीके से हम कहें कि ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, तो ऐसा नहीं कि महाद्वीप खत्म और अचानक महासागर शुरू होगा। महाद्वीप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा होगा, पानी के अंदर जो महासागर का हिस्सा डूबा होगा तो ये महाद्वीप है। ये महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न तट है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, और जैसे ही यहां से हम अचानक कहेंगे कि अब ढाल बढ़ गई तो ये महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाएगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि ये जो मग्न तट की चौड़ाई है, मग्न तट की चौड़ाई उन जगहों पर ज्यादा होगी जहां पर बर्फ पिघलकर समुद्र में आती है, क्योंकि जब बर्फ पिघलकर समुद्र में मिलने जाएगी तो वो घर्षण करेगी और उससे जो बहुत सारा महाद्वीप है वह घिसता जाएगा और पानी में डूबता जाएगा, और इस तरीके से बहुत चौड़े मग्न तट वहां पर मिलेंगे। संकीर्ण मग्न तट हमें कहां पर मिलते हैं? संकीर्ण मग्न तट हमें वहां मिलेंगे जहां पर किनारे, तट के किनारे कोई पर्वत होता होगा, तो अगर पर्वत किसी तट के किनारे हैं तो वहां संकीर्ण मग्न तट मिलेंगे। जैसे आप याद करिए दक्षिण अमेरिका को, जैसे याद करिए दक्षिण अमेरिका जहां एंडीज पर्वतमाला मिलती है, तो इस जगह पर जो मग्न तट होंगे बहुत ही संकीर्ण होंगे। उत्तर अमेरिका में भी यदि रॉकीज पर्वत को आप देखेंगे तो बिल्कुल तट के किनारे चलता है, वहां संकीर्ण मग्न तट मिलेंगे। तो संकीर्ण मग्न तट पर्वतों के जहां पर भी तट के समानांतर पर्वत होता है, और चौड़े वहां मिलेंगे जहां पर बर्फ पिघलती है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग उत्तरी गोलार्ध में 55 से 60 डिग्री अक्षांश पर हमें चौड़े मग्न तट मिलते हैं। यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत होते हैं, मछली पालन यहीं पर होता है क्योंकि सारा कुछ यही क्षेत्र मिलता है। लगभग यह 7.6% से लेकर 8.6% तक माने जाते हैं, मतलब इनका जो पूरे समुद्र के क्षेत्रफल में योगदान है वो लगभग इस दायरे में माना जाता है। साथ ही साथ इनका जो उत्पत्ति मानी जाती है वो माना जाता है कि ये पानी में महाद्वीपों के डूबे हुए भाग हैं, पानी में महाद्वीपों का जो डूबा हुआ भाग है और इसी कारण से इनका निर्माण हुआ होगा। फिर आते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल पर। महाद्वीपीय मग्न ढाल मतलब डूबा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अचानक स्लोप में वृद्धि होगी और इसकी जो गहराई होती है वो 2000 से 3000 मीटर, मतलब इधर की इसकी गहराई बता दूं मैं, ये ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि 100 से 200 मीटर तक की गहराई में माने जाते हैं, 100 से 200 मीटर तक की गहराई में। मग्न तट की समाप्ति के बाद महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत होती है। ढाल की प्रवणता 2 से 5 डिग्री तक होती है, 3500 मीटर तक की गहराई पर, और इस पर कई बार कंदराएं मिलती है जिन्हें अंग्रेजी में कैनियन नाम दिया जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि समुद्र के किनारे आप खड़े हैं और पानी के अंदर आप जा रहे हैं, तो पहले तो बहुत धीमे धीमे आएगा लेकिन अचानक ही स्लोप बढ़ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है मग्न ढाल, और इस मग्न ढाल की जो मतलब प्रवणता होगी वो 2 से 5 डिग्री तक होती है। ये लगभग पूरे समुद्र का 8.5% क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अचानक ढाल में परिवर्तन के कारण बहुत ही तीव्र गति मिलती है, जो भी महाद्वीप से चीजें आई होगी वो तेजी से यहाँ फिसलती हुई मिलेगी। महाद्वीपीय ढाल में कई बार हमें कंदराएं मिलती हैं, केनियन मिलते हैं, गर्त मिलते हैं, गहरे गड्ढे मिलते हैं। फिर आता है महाद्वीपीय उत्थान, जहां पर अचानक समतल ढाल आने के कारण सारी चीजें यहीं पर जमा होती हैं। वास्तविक रूप में ये जो ढाल है, ये ढाल और ये वाला जो जगह जिसे उत्थान नाम दे रहे हैं, ये जंक्शन है। किसका जंक्शन है? यहां अब महाद्वीप खत्म हो गए, यहां से शुरुआत होगी महासागर की। अब यहां से महासागर की शुरुआत होगी और महासागरीय नीतल बनेंगे जो औसतन 3 से 6000 मीटर की गहराई पर होते हैं, और पूरे महासागरीय क्षेत्र का लगभग 73% एग्जैक्ट डाटा मैं दे देता हूं आपको, 1 मिनट। लगभग पूरे महासागरीय क्षेत्र का यह जो है 75.9% तक का क्षेत्र होता है, 75.9% बचा हुआ क्षेत्र कॉन्टिनेंटल उत्थान राइस का होगा।
तो यदि हम महासागरीय संरचना की बात करें तो सबसे पहले मग्न तट मिलेंगे, फिर मग्न ढाल मिलेंगे, फिर उत्थान मिलेगा, फिर मैदान मिलेंगे, और बीच बीच में कुछ जगह पर हमें एक तरीके से गहरे गड्ढे मिलते हैं जिन्हें हम कई बार कंदरा के नाम से, केनियन के नाम से, गर्त के नाम से जानते हैं। महासागरों में जैसे अटलांटिक महासागर में, महासागर के ठीक बीच में एक विशेष प्रकार की पर्वतीय श्रृंखला मिलती है जिन्हें महासागरीय कटक कहते हैं, और इस कटक की उत्पत्ति हमने देखी थी जियोमॉर्फोलॉजी में कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने के कारण, अपसारी सीमा बनने के कारण, इस तरीके का महासागर में एक विशिष्ट प्रकार का संरचना निर्मित होती है। इस सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को हम महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। तो महासागरीय उच्चावच में इतनी बातें याद रखिएगा। महासागर स्थिर नहीं होते हैं, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इधर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा जो ब्रीफ इसमें, एक्चुअली एक्स्ट्रा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा गहराई में मत पढ़िएगा, एक जनरल आइडिया जितना मैं बता रहा हूं उतना ही जानकारी याद रखिए, क्योंकि सवाल पिछले 5 वर्षों में केवल 2 या 3 आए हैं, तो उम्मीद है, डर रहता है भाई कि हो सकता है इस बार ज्यादा आ जाए, तो कवर कर लेना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को फिर याद दिला दूं कि ये जो पूरा महासागर है, एक दृष्टिकोण में लगता है कि स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस महासागरीय जल को गतिमान करती हैं, जैसे कि मैंने क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण लगातार हमें हवाएं इस तरीके से गतिशील मिलती हैं, इन्हें व्यापारिक पवने हमने नाम दिया था। तो ये व्यापारिक पवने जब जमीन से टच होकर जाती है तो धूल कणों को बहा कर ले जाती है, तो जब ये किसी जलाशय से होकर जाएगी तो ऊपरी पानी को बहा लेकर जाती है, और धीमे धीमे यह ऊपरी पानी गतिशील होते होते पूरे निचले जल तक को गतिमान कर देता है, क्योंकि घर्षण का बल काम करता है, फिर उसके बाद इसके अंदर तापीय अंतर आने के कारण यह पानी में गति प्रारंभ हो जाती है। ऐसे कई कारक है जो इस पूरे जल के गति को प्रारंभ करते हैं, तो यह जो गतिमान जल होता है इसी को महासागरीय धाराएं कहते हैं। वैसे महासागरीय धाराओं की एक और परिभाषा दी जाती है कि महासागरीय धाराएं और कुछ नहीं, महासागर में मिलने वाली नदियां हैं। भाई जैसे महाद्वीप पर जो नदियां मिलती हैं वो तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन महासागर के अंदर भी बहुत लंबी लंबी नदियां मिलती हैं। इन नदियों को ही हम एक तरीके से महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं बहुत ही लंबी धाराएं होती है, मतलब मैं आपको इसका आइडिया इस बात से बता दूं कि सबसे छोटी धारा गिनी की धारा होती है, वह भी लगभग 800 किलोमीटर लंबी होती है। तो जो सबसे छोटा है वह 800 किलोमीटर लंबा है, मतलब ये कोई छोटी धाराएं या छोटी संरचना नहीं है। महासागरीय अधिकतर धाराएं गहराई तक प्रवाहित होती है। दो टाइप की महासागरीय धाराएं होती है, गहराई के आधार पर, ऊपरी धाराएं और गहरी धाराएं। गहरी धाराएं लगभग 90% जितनी भी समुद्र में धाराएं मिलती है सब गहरी हैं, मतलब वो बिल्कुल निचले पॉइंट तक पूरे पानी को गतिमान बनाती है। और जो ऊपरी धाराएं होती है, जो मानी जाती है कि केवल ऊपरी जल गतिशील रहेगा, वो केवल 10% ही पानी है पूरे महासागर का जो केवल ऊपरी रूप में गतिशील है, अन्यथा 90% गहराई तक पानी गतिशील रहता है। धाराओं का वर्गीकरण तापमान के आधार पर 2 भागों में किया जाता है, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर स्ट्रीम के रूप में या ओशियन स्ट्रीम के रूप में। तो आइए जरा देखते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की यदि हम बात करें, ओरिजिन की यदि हम बात करें, तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से 2 बल माने जाते हैं कि इसके कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। एक तो सबसे पहला जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक हैं वो हैं प्रचलित पवने। मतलब अगर आपको एक ही कोई चुनना हो कि सर कोई इतने कारकों में एक ही चुनना हो, तो प्रचलित पवने सबसे बड़ा कारक हैं जो इस महासागरीय धाराओं के निर्मित होने के लिए जिम्मेदार है।
फिर इनकी दिशाओं में परिवर्तन कई कारणों से आता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण भी एक तरीके से बड़ा कारक है जो कि महासागरीय धाराओं की दिशा को जिम्मेदार, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देता है। तो प्रचलित पौने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के सबसे महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और इस कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन होता है। जैसे हवाओं की दिशा परिवर्तित होती है कोरियोलिस बल से, याद रखना महासागरीय धाराओं की दिशा भी वैसे ही परिवर्तित होती है। महासागरीय धाराएं भी कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में टर्न होती है। महासागरीय जल का तापमान, यदि तापमान की हम बात करें तो सामान्यतः गर्म पानी यदि होगा तो गर्म पानी का तापीय प्रसार होगा, तो वहाँ पर समुद्र का स्तर थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठंडा पानी में संकुचन होगा तो अपने आप ज़्यादा से कम की ओर महासागरीय धाराएं विकसित हो जाती हैं। लवणता ज़्यादा होगी, घनत्व में अंतर होगा तो महासागरीय धाराएं जन्म लेती हैं। वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण के कारण भी, जैसे मान लीजिए कि विषुवत रेखा पर वर्षा हमेशा होती रहती है तो यहाँ समुद्र का स्तर ज़्यादा होता है तो महासागरीय धाराएं हमेशा ही यहाँ से दूसरी दिशा में गतिमान रहती ही है। ये वो सभी कारक है जो महासागरीय धाराओं को निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। जैसे महासागरीय धाराएं यदि महाद्वीप से टकराएगी तो उनकी दिशा परिवर्तित होगी। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन हमने देखा कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। महासागरीय धाराओं को वैसे तीन भागों में बांटा जाता है उनकी गति के आधार पर। एक कहलाता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, इसे हिंदी में कहते प्रवाह। ऐसी महासागरीय धाराएं जो सबसे धीमी गति से गतिशील होती हैं। यदि महासागरीय धाराओं की गति औसतन है तो उन्हें करंट कहते हैं। यहाँ पर भी करंट आता है जिसे धारा कहेंगे, जिनकी गति औसत होती है। लेकिन अगर कोई महासागरीय धारा बहुत तीव्र गति वाली हो तो उसे स्ट्रीम नाम दिया जाता है, तो उसे स्ट्रीम नाम दिया जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। तो यदि महासागरीय धाराएं बहुत ही धीमे गति से गतिशील है तो उन्हें प्रवाह कहते हैं, बहुत ही अत्यधिक गति से गतिशील है तो उन्हें स्ट्रीम कहते हैं, और यदि औसत है तो उन्हें धारा केवल करंट के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराओं को हम दो रूप में पढ़ेंगे, एक तो ठंडी जलधारा के रूप में और एक गर्म जलधारा के रूप में। लेकिन इन जलधाराओं में एक नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे एकमेन स्पाइरल नियम कहते हैं। एकमेन के अनुसार जल का घर्षण और कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप समुद्री धाराएं ऊर्ध्वाधर रूप में कई स्तरों में संचरण करती है। मतलब एकमेन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन महासागरीय धाराओं की आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा महासागरीय एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ गतिशील है, बल्कि उसकी कई अलग अलग परतें हैं। कई अलग अलग परतों का मतलब उनका कहना यह है कि महासागरीय धारा में यदि कोई धारा पूरे गहराई तक बह रही है तो कोरियोलिस बल और पानी के घर्षण के कारण इसके एक लेयर के बाद महासागरीय दूसरी धारा इसके ठीक नीचे विकसित होती है 45 डिग्री के एंगल पर। फिर एक लेयर के बाद फिर अगली लेयर विकसित होती है 45 डिग्री के एंगल पर, फिर अगली लेयर विकसित होती है 45 डिग्री के एंगल पर, फिर अगली लेयर विकसित होती है। और इस तरीके से महासागरीय जलधारा कई अलग अलग परतों में गतिशील होती हैं। ये एकमेन स्पाइरल रूल कहलाता है। ये उन जगहों पर लागू होता है जो गहरी महासागरीय धाराएं होती हैं, और सामान्य रूप से महासागरीय धाराएं पूरा का पूरा गहराई तक पानी का गतिशील होना है, जहां एकमेन स्पाइरल रूल कहता है कि महासागर कई परतों में गतिशील हैं और यह अलग अलग डायरेक्शन में गतिशील दो कारकों के कारण हो रहा है, एक तो पानी के अंदर होने वाला घर्षण और दूसरा कोरियोलिस बल। आइए अब हम बातचीत करने जा रहे हैं सबसे पहले महासागरीय जलधाराओं की, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं
अटलांटिक महासागर में सबसे पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, ये विषुवत रेखा है। अब जरा जल धाराओं को याद ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा। ये विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा पर जो प्रचलित पवने हैं, व्यापारिक पवने, वो गतिशील है और इसी गतिशीलता के कारण, इधर ध्यान दीजिएगा, एक उत्तरी विषुवतीय जलधारा का जन्म होता है। यह उत्तर विषुवतीय जलधारा का नाम क्यों रखा है? क्योंकि यह विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक ऐसी ही एक और जलधारा यहां उत्पन्न होगी, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। यह उत्तर विषुवतीय जलधारा टकराती है कैरिबियन द्वीप समूह से और दो जलधाराओं की शाखा में बढ़ जाती है। एक एंटलिस की जलधारा कहलाती है। यह एंटलिस की जलधारा और दूसरी जलधारा इस रास्ते से आगे बढ़ रही है। इस एंटलिस की जलधारा में मिसिसिपी नदी का पानी मिलता है और वो आगे बढ़ती है फ्लोरिडा की जलधारा के रूप में। अब वो गति कर रही है, सबसे तीव्र गति की जलधारा फिर यहां पर हमें मिलती है, जो कि हम कह सकते हैं कि वो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। और इस जगह पर ऊपर से एक ठंडी जलधारा आपको दिख रही होगी, जो नीले कलर से पेन है, वो ठंडी जलधारा को बता रहा है, जिसे लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। यहां न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, जिसे हम मछली उत्पादन का सबसे बेहतर क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा का यहाँ मिश्रण होता है, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं और इसी कारण से मछलियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ, मछलियों की बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ठंडी और गर्म पानी का मिश्रण होने के कारण बहुत ज़्यादा घना कोहरा होता है और इसी कारण से कई सारे जो जहाज हैं वो इस जगह पर रास्ता भटक जाते घने कोहरे के कारण। और आप लोगों को याद होगा, जो टाइटेनिक जहाज के डूबने की बात आती है, वो भी माना जाता है कि ये जो लेब्राडोर की धारा है, इसी के साथ बहुत बड़ा बड़ा जो आइस क्यूब है, या हम कहेंगे कि जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े महाखंड हैं, वो बहकर आते हैं, इसी खंड में से किसी से टकराया होगा टाइटेनिक और यही आसपास कहीं डूबा होगा। तो लेब्राडोर की जलधारा मुलाकात करती है गल्फ स्ट्रीम से और एक घने कोहरे वाला क्षेत्र निर्मित करती है, जहां बड़ी मात्रा में मछली का उत्पादन भी होता है। आगे यह अभी गर्म जलधारा के रूप में बहती है, लेकिन यहाँ अब इतनी शक्ति नहीं इसके पास है, तो इसको ड्रिफ्ट नाम देते हैं। इसका जो नाम रखा गया है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये काफ़ी लंबी जलधारा धीमे गति से आगे बढ़ते हुए नॉर्वे के द्वीप समूह तक जाती है और यही कारण है कि नॉर्वे जैसी जगह जहां पर तापमान बहुत कम होना चाहिए था, इसके पूरे बंदरगाह बर्फ मुक्त रहते हैं, क्योंकि गर्म जलधारा है, गर्म पानी। अब आप कहेंगे गर्म पानी मतलब नहाने जैसा गर्म पानी क्या? नहीं, जो महाद्वीप का तापमान है उसकी तुलना में पानी 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है और इसी कारण से नॉर्वे के बंदरगाह पूरे 12 महीने काम कर सकते, जबकि वो उस क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ पूरी तरह से बर्फ होनी चाहिए थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हैं वो इन द्वीप समूह से टकराती हैं, और अलग अलग प्रकार की जलधाराओं का निर्माण करती है। तो इसकी तीन शाखाएं बनती है, एक शाखा है जो नॉर्वे की ओर जा रही है, एक शाखा जो नीचे की ओर जा रही है। यहां पर एक शाखा इरिमिंगर की जलधारा कहलाती है। कोई बता सकता है जरा तेजी से कमेंट्स करके कि इसमें जो इरिमिंगर की जलधारा है, ये इरिमिंगर की जलधारा कौन सी होती है? इसकी एक शाखा नॉर्वे तक जाएगी, दूसरी शाखा आइसलैंड से टकराएगी और आइसलैंड से टकराने के कारण इरिमिंगर की जलधारा कहलाती है, और तीसरी शाखा ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराएगी, जो रेनेल की ठंडी जलधारा से मिलती है, देखना आप,
ये जो इरिमिंगर हैं, ये इरिमिंगर की जलधारा कहलाएगी। इरिमिंगर गर्म पानी की जलधारा है, ये नॉर्वे की भी गर्म पानी की जलधारा है। ये जो तीसरी जलधारा है ये रेनेल की जलधारा कहलाती है, ये भी गर्म जलधारा है और आगे ये ठंडी जलधारा में बदलती है जिसे कनारी की जलधारा कहते हैं। कनारी की जलधारा कहते हैं। एक नज़र फिर देखते हैं, उत्तर विषुवतीय जलधारा जो आगे एंटलिस और फ्लोरिडा के रूप में बहेगी, फ्लोरिडा फिर गल्फ स्ट्रीम के रूप में, ऊपर लेब्राडोर ठंडी जलधारा से मुलाकात होगी। यहाँ एक और ठंडी जलधारा है जिसका नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ग्रीनलैंड है और उसका एक तरीके से पूर्वी भाग है तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तीन शाखाएं बनेगी, एक इरिमिंगल कहलाएगी, एक नॉर्वे की धारा कहलाएगी, एक रेनेल की धारा कहलाएगी और फिर आगे रेनेल की धारा कन्वर्ट हो जाएगी कनारी की ठंडी जलधारा में। और यहाँ पर ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ बादलों के निर्माण के लिए वाष्पीकरण की जरूरत होती है, वो नहीं होता है और इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। इसी कारण से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर बड़े बड़े मरुस्थल मिलते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर सारी चीज़ें तो समझ में आ रही कि ऊपर ठंडी जलधारा होगी क्योंकि बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर तो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, ये कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ ठंडी जलधारा क्यों आ रही है, यहाँ पर ठंडी जलधारा का विकसित होने का कारण क्या है, यहाँ ठंडी जलधारा के विकसित होने का कारण क्या होगा। राजेंद्र मीना बता रहे हैं नहीं वहां ठंड बहुत होती है, नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया। कृष्णा कश्यप का पहला उत्तर है स्टर्लीज, शीत उद्वेलन क्षेत्र। राजन ने भी बढ़िया उत्तर दिया है, लेकिन शीत उद्वेलन क्षेत्र की जगह पर यदि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो व्यापारिक पौने ऐसी बह रही थी, व्यापारिक पौने ऐसी बह रही थी तो व्यापारिक पवनों ने ऊपर का पानी धकेल दिया तो वहां ऊपर का गर्म पानी तो बिल्कुल भी नहीं रहा, वो तो यहां पर आ गया तो यहां नीचे का पानी निकलता है, इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं शीत जल उद्वेलन, कोल्ड वाटर अपवेलिंग एरिया। तो ये जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग एरिया है यही वास्तविक रूप में ठंडी जलधारा का निर्माण करता है। इस पूरे के पूरे चक्र को यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रकार की शैवाल की अधिकता होती है, सार्गेसो शैवाल, एक तरीके की ब्राउन शैवाल है, भूरी शैवाल है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मिलने के कारण इसी को सार्गेसो सागर का नाम दिया जाता है। और यही पर आपका बरमूडा ट्रायंगल भी मिलता है, यही आपको बरमूडा ट्रायंगल भी मिलता है। पर याद रखना बरमूडा ट्रायंगल किंवदंती है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन जहाज यहां से गुजरते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के कारण आपको ऐसा लगता होगा कि बरमूडा ट्रायंगल की कोई बॉर्डर वॉर्डर होगी, वहां कोई जहाज नहीं जाते होंगे, तो सब भ्रम है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहां से जहाज गुजरते हैं, बरमूडा ट्रायंगल से कई सारे जहाज जाते आते रहते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई किंवदंतियां जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र में अब जहाज नहीं मिलते, आसानी से लोग आना जाना अभी भी जहाज सही करते हैं इस जगह पर, और प्रतिदिन का आना जाना है, हजारों जहाजों की बात कर रहा हूं मैं। तो एक नजर देख लेते हैं अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक जलधारा के बारे में। तो पहले उत्तर विषुवतीय जलधारा, एंटलिस की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से लेब्राडोर, दोनों की मुलाकात, और हम कहेंगे कि मत्स्यन का क्षेत्र बनता है, बहुत घना कोहरा होता है, ठंडी और गर्म जलधारा का मिश्रण क्षेत्र है।
एक और ठंडी जलधारा है जो कि पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाती है और एक और ठंडी जलधारा कनारी की जलधारा है, बाकी सब गर्म है। इरिमिंगर की जलधारा गर्म जलधारा है, रेनेल की जलधारा जो ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराएगी वो भी एक गर्म जलधारा है और ये अपना पूरा चक्र कंप्लीट करती है। आप देख सकते हैं कि यह चक्र क्लॉकवाइज रूप में कंप्लीट हो रहा है। इसी रूप में यदि आप दक्षिण महासागर दक्षिण अटलांटिक की जलधारा की यदि हम बात करेंगे तो मैं आपको दक्षिण अटलांटिक वाला चित्र भी दिखा देता हूं। दक्षिण अटलांटिक जलधारा की यदि हम बात करें तो दक्षिण अटलांटिक में ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में जाना जाएगा। तो दक्षिण अटलांटिक की जो जलधाराएं हैं उसमें ज्यादा जलधाराएं नहीं हैं, लेकिन दक्षिण अटलांटिक में याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो ब्राजीलियन जलधारा होती है दक्षिण अटलांटिक की जलधाराओं में सबसे पहले विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय जलधारा मिलेगी जो कि सेंट रॉक्स द्वीप से टकराएगी। सेंट रॉक द्वीप से टकराने के बाद ब्राजील के तट के साथ चलती जाएगी। यही ब्राजील की जलधारा या पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर फाकलैंड की ठंडी जलधारा से मिलेगी और फाकलैंड की ठंडी जलधारा से मिलकर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का निर्माण करेगी। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का निर्माण करेगी तो एक तरीके से हम गर्म और पेन बदल रहे इसे। तो ये ब्राजील की जलधारा ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा फिर ब्राजील की जलधारा का निर्माण करेगी। दक्षिण विषुवतीय जलधारा फिर ब्राजील की जलधारा का निर्माण करेगी। ब्राजील की जलधारा की मुलाकात फाकलैंड की ठंडी जलधारा से होगी। फिर आगे यह ठंडी जलधारा बहेगी जिसे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहेंगे। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहेंगे, जैसे उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट था, पर याद रखना दक्षिण अटलांटिक ठंडा प्रवाह है, ये ऊपर वाला गर्म प्रवाह था और यहां पर एक ठंडी जलधारा निर्मित होगी जिसे बेगुला की ठंडी जलधारा के नाम से हम जानते हैं। बेगुला की ठंडी जलधारा वापिस इससे मिलकर दक्षिण विषुवतीय जलधारा के साथ मिलकर पूरा चक्र कंप्लीट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो आगे ब्राजीलियन जलधारा के रूप में, फिर फाकलैंड की ठंडी जलधारा से मुलाकात करके दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ेगी क्योंकि पछुआ पवनों के कारण यहाँ पर हवाएं इस पानी को इस ओर ढकेल देगी और यहाँ एक ठंडी जलधारा मिलेगी बेगुला की ठंडी जलधारा। और आप जानते हैं कि बेगुला की ठंडी जलधारा इसलिए विकसित हो रही है क्योंकि व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पर शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र बनता है। तो शीत जल उद्वेलन का क्षेत्र बनता है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का वर्णन है। अब आते हैं प्रशांत महासागरीय जलधारा। प्रशांत महासागरीय जलधारा, प्रशांत महासागर जहां पर अटलांटिक महासागर एस आकृति का है वही प्रशांत महासागर को ओ आकृति का माना जाता है। सारी बातें लगभग सेम आएगी, बस नाम यहां पर बदलते जाएंगे। तो ये विषुवत रेखा है। यहां एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं। यहां पर जरा एक और चीज पर गौर करिएगा सभी लोग। अब क्योंकि यहां पर लगातार पानी गर्म जलधारा के रूप में पानी जा रहा है नीचे से भी ऊपर से भी, तो यहां पानी का संकेंद्रण हो जाता है, एक तरीके से पानी का स्तर बढ़ जाता है और यहां पानी की कमी हो जाती है। तो एक प्रति विषुवतीय धारा जन्म लेती है। कौन सी जलधारा जन्म लेती है? प्रति विषुवतीय, बड़ी धीमे गति की होती है, उसे ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, एक तरीके की प्रति विषुवतीय धारा का निर्माण होता है। सब जगह पर होगा, यहां पर भी प्रति विषुवतीय धारा उत्पन्न होगी। सबसे पहले प्रशांत महासागर में एक जलधारा का निर्माण होगा, उस जलधारा को नाम देंगे हम उत्तरी विषुवतीय जलधारा। सब जगह पर विषुवत के उत्तर में, दक्षिण में तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा नीचे और उत्तर विषुवतीय जलधारा ऊपर। यह जलधारा आगे मिलेगी और आगे टर्न होगी, इसका नाम रखा जाएगा क्यूरोशियो की जलधारा। क्यूरोशियो की जलधारा, यहां क्यूरोशियो की जलधारा की दो शाखाएं बन जाती है। क्यूरोशियो के जलधारा की दो शाखाएं बन जाती है,
एक तरीके से हम कह सकते हैं जापानी द्वीप समूह के कारण क्यूरोशियो की जलधारा के दो ब्रांच बन जाते हैं। क्यूरोशियो बिल्कुल वैसी ही जलधारा मानी जाती है, क्यूरोशियो वैसी ही जलधारा मानी जाती है जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हुआ करती थी, गल्फ स्ट्रीम हुआ करती थी। तो क्यूरोशियो की जो जलधारा है वह अत्यधिक तीव्र गति वाली है। एक अंदर भी जलधारा मिलेगी जिसे सुशीमा की जलधारा कहते हैं। सुशीमा जापान के द्वीप समूह से टकराती है, तो सुशीमा की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, यहां पर एक ठंडी जलधारा आ रही है जैसे वहां लेब्राडोर आ रही थी। ओखा टस्क की जलधारा आ रही है, यहां से एक और ठंडी जलधारा आ रही है ओयाशियो की। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जापानी नाम है ये। क्यूरोशियो की जलधारा गल्फ स्ट्रीम के जैसी है, क्यूरोशियो की जलधारा गल्फ स्ट्रीम के जैसी है। फिर ओखा टस्क की ठंडी जलधारा ओयोशियो की ठंडी जलधारा इस क्यूरोशियो की जलधारा से मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही क्षेत्र का निर्माण होगा जैसे कि मत्स्य उत्पादन वाला वो क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पर हमने देखा था कि बहुत बड़ी मात्रा में घना कोहरा बनता था, यहाँ पर भी घना कोहरा बनेगा, ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिश्रण क्षेत्र होगा, मछलियों की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर मिलेगी और फिर ये उत्तर प्रशांतीय प्रवाह बनेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाएगा, ये ड्रिफ्ट कहलाएगा जैसे वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ करता था। यहाँ पर ठंडी जलधारा, जैसे वहाँ पर हमने ठंडी जलधारा देखी थी जो कनारी की ठंडी जलधारा थी, यहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा मिलती है। और ये जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, ये बिल्कुल वैसी ही जलधारा है, ये वैसी ही जलधारा है जैसे कि हमने देखा था वो शीत जल उद्वेलन बनता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की अलास्का की गर्म जलधारा एक्चुअल में दो शाखाओं में बंटती है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, एक अलास्का की गर्म जलधारा ये अलास्का वाले क्षेत्र को बर्फ मुक्त करती है, और दूसरी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, क्योंकि ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र होता है तो ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। एक बार हम ब्लैंक मैप पर भी दिखा देते हैं ताकि चीजें याद हो जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इधर अगर हम गौर करें तो जरा देखिएगा, प्रशांत महासागर में सबसे पहले तो विषुवतीय धारा का निर्माण होगा। यह विषुवतीय धारा आगे बढ़ेगी और क्यूरोशियो की जलधारा के रूप में आगे बढ़ती जाएगी। यहीं पर सुशीमा की जलधारा मिलेगी, ओयोशियो की धारा, ओखाटस्क की धारा, जो ठंडी जलधारा यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर एक तरीके से गर्म और ठंडी जलधारा का मिश्रण होगा। इस वाली जगह पर जैसे कि हमने कहा कि ये शाखाएं दो भागों में बढ़ जाएगी, एक अलास्का की गर्म जलधारा एक कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा में परिवर्तित होगी, क्योंकि यह शीत जल उद्वेलन का भाग है, शीत जल उद्वेलन का भाग है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसी सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। अब उसी रूप में यदि हम दक्षिण प्रशांत महासागर के जलधारा की बात करें तो दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, दक्षिण प्रशांतीय ड्रिफ्ट कहलाएगा, ये ड्रिफ्ट कहलाएगा, कई बार पछुआ पवनों के कारण पछुआ पवन ड्रिफ्ट भी कहते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार की ठंडी जलधारा मिलेगी जिसे पेरू की ठंडी जलधारा कहते हैं, पेरू की ठंडी जलधारा। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ठंडी की जगह गर्म हो जाती है तो उसे कहते हैं अल नीनो। यदि यह ठंडी से भी ज़्यादा ठंडी हो जाए तो फिर उसे कहते हैं ला नीना। तो ये जो पेरू की जलधारा है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, इसी को अल नीनो ला नीना के रूप में भी जाना जाता है। और जैसे कि हमने इंडियन मानसून में पढ़ा था कि यह छोटी सी जलधारा पूरे भारतीय मानसून तंत्र को हिला कर रख देती है। तो यदि हम बात करें प्रशांत महासागरीय जलधाराओं की,
तो याद रखना हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा या बेगुला की ठंडी जलधारा, सारी जलधाराएं में फिक्स है कि इस जगह पर ठंडी जलधाराएं मिलेगी, इस जगह ठंडी जलधाराएं मिलेगी, इस जगह ठंडी जलधाराएं मिलेगी। और रीजन आपको पता है कि व्यापारिक पवनों के कारण वहां शीत जल उद्वेलन का एक क्षेत्र बन जाता है। जहां ठंडी जलधारा होती है वहां भी मछलियां ज्यादा आती है, लेकिन सबसे ज्यादा मछलियां ठंडी और गर्म जलधारा के मिश्रण वाले भाग में आती है। हिंद महासागर की जलधारा पर यदि मैं चर्चा करूं तो जो हिंद महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा में उत्तरी जलधारा बिल्कुल है ही नहीं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर एक तरीके से अर्ध सागर कहलाता है, पार्शियली क्लोज्ड है ये, ऊपर पूरी तरह से जमीन है, नीचे ही ओपन एरिया है। तो हिंद महासागर में जो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं ये तो हमारे मानसूनी पवनों के आधार पर, जैसे इस समय मानसून यहां से चल रहा है तो हिंद महासागर में जो जलधारा होगी ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा के कारण इस मौसम में मिलेगी इस तरीके से। तो हिंद महासागर में जो ऊपरी उत्तरी हिंद महासागर है उसकी जलधारा मौसम के अनुसार बदलती है, जैसे ग्रीष्म काल में ऐसी होगी, अब शीतकाल में जब उत्तर पूर्वी मानसून आएगा तो उत्तर पूर्वी मानसून के समय आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर की जलधारा है वो इस तरीके की जलधारा बन जाती है, पूरी डायरेक्शन ही पलट जाती है, पूरी डायरेक्शन ही पलट जाती है। तो हिंद महासागर की जो उत्तरी जलधारा है वो तो अपनी दिशा बदलती रहती है मौसम के अनुसार, और वो दो ही है, एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण दक्षिण पश्चिमी जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण दक्षिण पश्चिमी जलधारा, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा कहलाती है। तो उत्तर वाले में तो कोई याद ही नहीं रखना है जलधारा, ये फिक्स्ड है, मानसून के अनुसार यहाँ की जलधारा तय होती है। लेकिन दक्षिण विषुवतीय जलधाराएं आगे बढ़ेगी और यहाँ पर जो द्वीप समूह है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है वो मेडागास्कर, इस मेडागास्कर के कारण दो शाखाओं में बट जाएगी, एक कहलाएगी मेडागास्कर की जलधारा और एक मोजाम्बिक की जलधारा। ये दोनों जलधाराएं जुड़ जाएगी और कहलाएगी अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा एक तरीके से पश्चिमी प्रवाह का निर्माण करेगी और यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होगा जिसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहेंगे। तो यह विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय जलधारा मेडागास्कर से टकराकर मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा दोनों जुड़ जाएगी, अगुलहास की जलधारा कहलाएगी, और आगे अगुलहास की जलधारा एक ठंडी जलधारा के रूप में पश्चिमी प्रवाह कहलाएगा, पश्चिमी वायु प्रवाह के कारण एक तरीके का प्रवाह का निर्माण करेगा और एक ठंडी जलधारा वहां निर्मित होगी, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन करंट जिसे पश्चिम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उसमें कुछ ज्यादा नया नाम नहीं है, अगुलहास की धाम याद रखना, थोड़ा अगुलहास नया नाम है इसलिए उसमें अगुलहास ही पूछा जाएगा, क्योंकि मेडागास्कर आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर होता है, मोजाम्बिक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर होता है, थोड़ा सा केवल कंफ्यूजन आएगा अगुलहास में, तो थोड़ा अगुलहास की जलधारा याद रखना। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न में कंफ्यूजन आता है वो कहाँ पर आएगा, अगुलहास के नाम में, हम्बोल्ट के नाम में, बेगुला के नाम में, इरीमिंगर के नाम में, कनारी के नाम में, या फिर हम कह सकते हैं रेनेल के नाम में, गल्फ स्ट्रीम के नाम में, क्योंकि कुछ नाम ऐसे जो स्थानों पर नहीं, जैसे ब्राज़ील की जलधारा, अंडरस्टैंड है कि भाई ब्राज़ील की जलधारा कहाँ पर हो सकती है, इसका नाम क्यों रखा गया होगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, तो कैलिफोर्निया की जलधारा, या फिर हम कह सकते हैं जो भी नाम एक तरीके से किसी जगह के नाम पर रखे गए वहां आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, नॉर्वे की धारा नॉर्वे के पास होगी। तो ये याद, जैसे अब उत्तरी विषुवतीय धारा दक्षिण विषुवतीय धारा, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, उत्तर प्रशांतीय प्रवाह दक्षिण प्रशांतीय प्रवाह, दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह, तो जहां पर भी कॉमन नेम है वो तकलीफदायक नहीं है। ये ऐसे नाम याद रखना, अगुलहास, ओखा टस्क, क्यूरोशियो, सुशीमा,
तो ये जल धाराएं आपको कठिन लगेगी और इसको एक बार बस आपको लिस्ट बना लेनी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, 10-15 मिनट अगर आप देखेंगे तो पता चल जाता है। ठंडी जलधारा के रीजन याद रखिएगा कि क्यों आती हैं। अब एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी ठंडी और जलधारा, ठंडी और गर्म जलधारा का मिश्रण होगा वहां पर मछली पालन अब ज्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं महासागरीय भौतिक गुण, महासागरीय भौतिक गुण। वैसे मैं आपको बता दूं, इधर ध्यान देना, महासागरीय भौतिक गुण दो पढ़ने होते हैं हमें, वैसे तीन होते हैं महासागरीय भौतिक गुणों में। लवणता को पढ़ा जाता है, तापमान को पढ़ा जाता है और घनत्व को पढ़ा जाता है। महासागरीय गत्यात्मकता में, महासागरीय गत्यात्मकता में दो चीजें पढ़ी जा, तीन चीजें पढ़ी जाती हैं, धारा, तरंग और ज्वार भाटा। तो सबसे पहले धारा हमने पढ़ ली है। तरंग वास्तविक रूप में, तरंग की यदि मैं बात करूं तो तरंग वास्तविक रूप में पानी नहीं है बल्कि ऊर्जा है, ये मेरी लाइन जरूर याद रखना। महासागरीय तरंग, जो आप पानी को देखते हैं महासागर में तरंगे उठती है, लहरें उठती है, तो वो तरंग वास्तव में ऊर्जा है और वो ऊर्जा पानी को ऊपर नीचे कर रही है। इस पानी को ऊपर नीचे करने की इस ऊर्जा को ही हम तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा भी महासागर में होने वाली एक तरीके से उतार और चढ़ाव है। देखो, जब आप समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे तो आपको पानी की लहरें आती हुई दिखाई देगी। जो पानी की लहरें आ रही है वो तरंग है। जब अगर आप समुद्र के अंदर जहाज लेकर जा रहे हैं तो जहाज को सपोर्ट भी मिल सकता है और विरोध भी, वो धाराएं हैं। लेकिन अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं तो आप कुछ घंटे तक समुद्र के किनारे रहिए, बस चुपचाप खड़े रहिए, तो आप देखेंगे कि कुछ घंटों के भीतर महासागरीय जल या तो आपसे दूर गया है या आपके पास नजदीक आ चुका है। तो उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सागर, जो सागर के जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे गिरना है। लेकिन तरंग के रूप में अगर हम बात करें तो जो लहरें होती है, लहरें वो तरंग होती हैं, वो ऊर्जा होती है वास्तविक रूप में, जो महासागरों को प्राप्त हो रही है हवाओं से, हवाओं से जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। तो तीनों चीजों में, धारा हम पढ़ेंगे, ज्वार भाटा हम पढ़ेंगे, तरंग को बस इतना याद रखना कि तरंग ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा पवनों से उन्हें प्राप्त होती है। जितनी दूरी से कोई पवन उस ऊर्जा को देते हुए आ रहा है उतनी बड़ी तरंग वहां पर निर्मित होती है। सागर ये भौतिक गुणों में हम केवल लवणता पर बातचीत करेंगे। तापमान और घनत्व के बारे में मैं बता दूं कि घनत्व में तो आप समझ जाएंगे कि जहां लवणता ज्यादा होगी वहां घनत्व ज्यादा होगा, जहां लवणता कम होगी वहां घनत्व कम होगा। पर तापमान के बारे में मैं चर्चा थोड़ी सी कर दूं और फिर लवणता पर आ जाते हैं। हमारे महासागरीय क्षेत्र में विषुवत रेखा पर जो महासागरीय भाग है वहां का जो तापमान है वो सामान्यतः अपने आसपास के महासागरों से कम मिलता है, बल्कि वहां का तापमान आप कहेंगे कि सर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां तो सूर्य प्रकाश मिल रहा है। लेकिन वहां के पानी का तापमान इसलिए कम होता है क्योंकि वहां प्रतिदिन दोपहर में पानी बारिश हो जाती है, तो पानी बारिश हो जाने के कारण तापमान कम होता है। महासागरों का सर्वाधिक तापमान हमें लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मिलता है और उसके बाद फिर तापमान में गिरावट आती है क्योंकि सूर्य प्रकाश कम मिलने लग जाता है। वैसी बात दक्षिणी गोलार्ध में भी आती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक उच्च तापमान हमें लगभग 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मिल जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति से कहोगे तो आप कहेंगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, विषुवत रेखा से पहले तापमान बढ़ता है और मैक्सिमम जाने के बाद ध्रुवों की ओर कम होता है। अब आप कहेंगे कि तापमान यहां अधिकतम क्यों है, यहां अधिकतम क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में यहां प्रतिदिन की बारिश हो रही है 0 डिग्री विषुवत रेखा पर।
लेकिन यहाँ पर वास्तविक रूप में वर्षा की कमी है और इस कारण से इस जगह पर तापमान ज्यादा मिलेगा और उसके बाद तो फिर तापमान में कमी आती है। तो सामान्यतः महासागर में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तापमान बीच में कहीं ज्यादा मिलेगा। अगर हम समुद्र की गहराई में जाएंगे तो समुद्र की गहराई में सबसे पहले आप शुरुआत में 100 मीटर तक जाइए तो तापमान धीमे धीमे कम हो रहा होगा, तापमान धीमे धीमे कम हो रहा होगा 100 मीटर तक। क्यों 100 मीटर तक धीमे धीमे कम हो रहा है? क्योंकि प्रतिदिन सूर्य प्रकाश मिलता है। लेकिन उसके बाद अचानक तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आने लग जाती है गहराई में जाने पर। इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। अचानक तापमान में कमी आती है और फिर उसके बाद तापमान स्थिर हो जाता है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है। समुद्र में गहराई में जाने पर तापमान में धीमे धीमे कमी आती है, लेकिन अचानक ही कमी हमें मिलती है थर्मोक्लाइन लेयर में। तो ये तापमान जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम जरूर होता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान बीच में कहीं मिलेगा 30 से 35 डिग्री, 15 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। अगर समुद्र में ऊपर से नीचे मतलब गहराई में जाए तो तापमान में लगातार कमी आती है। पहले तापमान धीरे होता है, लेकिन अचानक ही सूर्य प्रकाश की कमी के कारण तापमान में बहुत गिरावट आ जाती है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान गहराई में मिलता है, क्योंकि उस समय पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। अब आते हैं, तापमान समझ लिया हमने, घनत्व को समझना नहीं है, लवणता पर बात करते हैं। लवणता महासागर का एक विशिष्ट गुण है और यह लवणता की उत्पत्ति मानी जाती है। सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से महाद्वीपों की नदियां लगातार महासागरों में चीजों को डिपॉजिट करते आ रही हैं और यही डिपोजिशन जो नदियों के द्वारा किया जाता है वह महासागर में लवणता का निर्माण करता है। पर यहाँ एक बहुत अद्भुत सा संयोग है कि महासागरों में नदियों ने ही लवणता लाई, लेकिन नदियां तो स्वच्छ बनी ही रही। तो याद रखिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों से वहां पानी में जो भी महाद्वीपीय नदियों के द्वारा चीजें लाई जा रही हैं वो वहीं पर जमा हो रही है, लेकिन नदियों में तो वह रहती ही नहीं है, वो बह जाती हैं। तो लवणता का जो मुख्य कारण है वो नदियां ही है। लेकिन अद्भुत क्या बात है, आज जहां नदियां मिलेगी उस जगह लवणता कम मिलेगी, क्योंकि नदियों का पानी स्वच्छ होता है। हाँ, लेकिन करोड़ों वर्षों से नदियां जब वहां डिपोजिशन करेगी तो लवणता आ ही जाएगी। लेकिन लवणता का दूसरा कारण महासागर में उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी भी हैं, क्योंकि उसके कारण भी पृथ्वी के अंदर के कई सारे सॉल्ट सागर में मिलते हैं, तो वो भी लवणता लाते हैं। लेकिन लवणता का मुख्य कारण नदियां है, महासागरों में जितनी लवणता है उसका मुख्य कारण नदियों को ही माना जाता है। अगर हम सागरीय जल में देखें तो सागरीय जल में औसतन लवणता हम मानते हैं, सागरीय जल की औसतन लवणता कितनी मानी जाती है, जरा कमेंट्स करिएगा, सागरीय जल की औसतन लवणता कितनी मानी जाती है। माय गॉड, अब हम रिवीजन कर रहे हैं और उसमें भी डाटा भयानक रूप से आ रहा है। कुछ लोग 77 लिख रहे हैं, ये 77 कैसे क्या आ रहा है, मतलब ये तो अद्भुत है। कुछ लोग 93 भी लिख रहे हैं, सोचिए। और फिर आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं आता है। अधिकतर बच्चों ने 35 लिखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो भी लाल लाली 35 की जगह कुछ और लिख रहे हैं, आखिर हम जानना चाहते हैं कि लवणता में भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि लवणता कितनी होनी चाहिए और बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है, तो थोड़ा सा एक बार अड़ोसी पड़ोसी फिर चर्चा कर ले और तय कर ले कि लवणता कितनी बतानी है। मतलब इतना भी जीवन में दुख ना हो लवणता के बारे में कि महासागरीय लवणता की जब भी बातचीत आएगी
35 प्रति हजार लवणता को जब हम दर्शाते हैं तो हम उसे लिखते हैं 35 प्रति हजार, ये ऐसे दर्शाते हैं प्रति हजार। यदि आपको लवणता का प्रतिशत बताना है इसी का, अगर आपको इसी का प्रतिशत बताना है तो 3.5 प्रतिशत, यदि आपको प्रतिशत बताना है, बट वास्तविक रूप में ये सही नहीं है, लवणता हजार में दर्शाई जाएगी। क्यों समझना जरा, लवणता प्रति 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल में उपस्थित, जल में उपस्थित लवणों की मात्रा है। कोई बता सकता है कि 1000 ग्राम क्यों लिया, 1 किलोग्राम क्यों लिया, 1 लीटर पानी क्यों नहीं लिया? कोई बता सकता है कि 1 लीटर पानी क्यों नहीं लिया, 1000 ग्राम क्यों लिया? कि आखिर जो लवणता का मापन किया गया वो प्रति हजार में ही क्यों किया गया? बताइए क्या अद्भुत सी स्थिति है। कई सारे विद्यार्थी अभी भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और फिर वही चीज आएगी कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई सारे विद्यार्थी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। और आप लोग इस कमेंट्स के वजह से, मतलब मैं आपको कई बार बताता हूं ना कि आपको रीजन अगर ढूंढना हो कि हिंदी माध्यम में परिणाम क्यों नहीं आते तो आप कमेंट से भी समझ सकते हैं। मतलब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और उसमें अभी तक उत्तर किसी का शायद ही सही दिख रहा है। लवणता का मापन ग्राम में क्यों किया गया, लीटर में क्यों नहीं किया गया, मिलीलीटर में क्यों नहीं किया गया? तो उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि यदि लवणता का मापन प्रति लीटर करते तो जो आयतन है, लीटर मतलब आयतन की इकाई है, वो तापमान पर निर्भर करती है। तो फिर मुझे ये बताना पड़ता कि ये जो लवणता हम पृथ्वी पर महासागरों की बता रहे हैं वो किस तापमान पर बता रहे हैं, क्योंकि लवणता तापमान पर फिर निर्भर करती है। पर यहां पर अगर हम लवणता को ग्राम में माप रहे हैं तो ग्राम द्रव्यमान तापमान पर प्रभावित थोड़ी होता है। ठंड का दिन हो, गर्मी का दिन हो, 1 किलो चीनी का वेट उतना ही रहेगा, 1 किलो चीनी में उतनी चीज आएगी। तो याद रखिएगा कि जो लवणता का मापन किलोग्राम में या प्रति हजार ग्राम में इसलिए किया गया ताकि तापमान के परिवर्तन के कारण लवणता के मान में परिवर्तन ना हो और वैज्ञानिक जगत, भूगोल शास्त्री लवणता को डिफाइन कर सके कि समुद्र के अंदर कितनी लवणता मिलती है। यहां मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहूंगा कि ये जो 35 प्रति हजार हम कहते हैं, इस 35 प्रति हजार में एक सबसे अद्भुत बात क्या है कि पूरे पृथ्वी पर लवणता कहीं पर भी हो, 1 लीटर 1000 ग्राम नहीं होता है। आत्मनिर्भर कृषि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जरा इस पर गौर करिएगा, आप मैं जो बताने जा रहा हूं, वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि लवणता कितनी भी हो, कितनी भी का मतलब किसी जगह पर 35 की लवणता हो सकती है, किसी जगह 37 हो सकती है, किसी जगह 40 हो सकती है, किसी जगह पर 240 हो सकती है, 200 हो सकती है, कितनी भी लवणता हो,
लेकिन उस लवणता में ये जो प्रतिशत मात्रा होगी, लवणों की प्रतिशत मात्रा होगी, वो बदलेगी नहीं। मतलब 35 की लवणता है तब भी उसमें 77.8% सोडियम क्लोराइड NaCl होगा। यदि लवणता मान लीजिए कि 200 की हो जाए, किसी जगह की 200 प्रति हजार हो जाए, तो उस 200 प्रति हजार की लवणता में भी 77.8% हिस्सा उस 200 का NaCl ही होगा। लवणता की एक खासियत है, महासागर की एक खासियत है कि महासागर की लवणता में कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन लवणता जिन लोगों से मिलकर बनी है उसके प्रतिशत मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान रख लेना। तो इधर ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड किसी भी सागरीय जल में मिलने वाली लवणता का सबसे मुख्य पदार्थ होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हम बात करें तो लवणता में सबसे अधिक जो पदार्थ मिलता है NaCl, जो साधारण नमक है हमारे घरों में, और मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि 35 कही की लवणता है तो उसमें NaCl का भार इतना होगा, MgCl2 का भार इतना होगा, बाकी पदार्थों का भार इतना होगा। लेकिन प्रतिशत की जो मात्रा मैंने यहाँ लिख दी है, फिर लवणता कितनी भी हो उसका प्रतिशत उतना ही रहेगा, उसका प्रतिशत उतना ही रहेगा। अगर हम बात करें लवणता में तो सबसे अधिक जो तत्वों की बात यदि आप करें कि सर तत्वों में बताइए, तो सबसे अधिक मात्रा में समुद्र के पानी में हमें मिलेगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद मिलेगा एक तरीके से सोडियम, सोडियम, और यदि हम बात करें सोडियम के बाद मिलेगा सल्फेट, सल्फेट के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाकी बचे हुए लोग। तो सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई तत्व पूछा जाए तो क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम। यदि आपको यौगिक पूछे जाए, लवण पूछे जाए, सॉल्ट पूछे जाए तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। यदि लवण पूछे जाए, यदि तत्व पूछे जाए तो पानी में सर्वाधिक मात्रा में क्लोरीन, पानी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व रहेगा लवणता में क्लोरीन, इसे भी याद रखिएगा। महासागरीय लवणता की यदि हम बात करें तो जो गोलार्धीय लवणता होती है, यदि हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की लवणता 34 होती है और दक्षिणी गोलार्ध की लवणता 35/1000 होती है। कोई बता सकता है कि उत्तरी गोलार्ध की लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम क्यों होती है? उत्तरी गोलार्ध की लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम क्यों होती है? उत्तरी गोलार्ध में लवणता के कम होने का क्या कारण है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रोशन राजपूत। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ी संख्या में नदियां मिलती है जो महाद्वीपों से आती है, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कम है, महासागरीय भाग ज्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की लवणता ज्यादा होती है। अक्षांशीय लवणता की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक अक्षांशीय लवणता हमें लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलेगी और उसके बाद लवणता निरंतर कम होगी दोनों ही तरफ। इधर कम होने का कारण है क्योंकि बर्फ है, बर्फ जब पिघलेगा तो स्वच्छ जल बनेगा, स्वच्छ जल बनेगा तो लवणता कम होगी। लेकिन यहाँ पर लवणता के कम होने का कारण है प्रतिदिन की बारिश, यहाँ प्रतिदिन की बारिश होने के कारण लवणता का मान कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक लवणता मिलती है किसी भी अक्षांशीय जगह पर यदि हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 25 से 30 डिग्री अक्षांश पर लवणता का मान ज़्यादा होता है क्योंकि वर्षा की न्यूनता होती है, वर्षा का मतलब एक तरीके से कम बरसात होना भी लवणता का बड़ा कारण है। स्थानिक लवणता की यदि हम बात करें तो आइए जरा एक एक सागर की भी लवणता मैं समझा देता हूं। प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर, जरा तेजी से कमेंट्स करिएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, हिंद महासागर, इन तीनों की जो लवणता होती है, जरा तेजी से कमेंट्स करिएगा कि लवणता का मान प्रशांत महासागर का कितना होता है, अटलांटिक महासागर का कितना होता है और हिंद महासागर का कितना होता है। तो 37, 36 और 35 पर थाउजेंड के आसपास। अब हम स्थानीय लवणता की यदि हम बात करेंगे तो भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस के खाड़ी में लवणता की मात्रा अत्यधिक है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होता है, नदियों की अनुपस्थिति कई जगह पर है। काले सागर में लवणता की मात्रा कम है क्योंकि कम तापमान होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है, जहां पर नदियों का मिश्रण होगा वहां पर भी लवणता कम आएगी। यदि हम सामान्य रूप से लवणता की बात करें तो लाल सागर की लवणता, फारस के खाड़ी की लवणता, रूम सागर की लवणता और कैरेबियन सागर की लवणता, बास जल डमरू मध्य कैलिफोर्निया के खाड़ी की लवणता, आर्कटिक सागर या फिर निचले क्षेत्र जहां पर भी है, जैसे हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, वहां तो लवणता बहुत ही कम मिलेगी। विश्व में सर्वाधिक लवणता किसकी होती है, ये गलत है, ये सेकंड नंबर पर आ चुका है, अब ये सेकंड नंबर पर आ चुका है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस जगह की है, किसी को याद है? विश्व में सर्वाधिक लवणता अब वर्तमान में किस जगह पर मिलती है? देखे जरा कमेंट्स कितने लोग कर पा रहे हैं। गेटेल, गेटेल, गेटेल तालाब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गेटेल डेड सी की नहीं, मृत सागर की नहीं, गेटेल तालाब जो इथियोपिया में मिलता है 433 प्रति हजार होती है, 433 प्रति हजार गेटेल तालाब इथियोपिया में मिलता है, इथियोपिया में मिलता है, इसकी लवणता सर्वाधिक होती है। अब वान झील की लवणता दूसरे नंबर पर है, मृत सागर की लवणता और कम हो जाती है, तो गेटेल तालाब की लवणता सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर गौर करना, कुछ किताबों में आपको टर्की की लवणता 33 मिलेगी, तो वो 33 परसेंटेज में दिया होगा। अगर प्रति हजार में बात करेंगे तो प्रति हजार में 330 रहेगी, जैसे गेटेल तालाब की 433 है तो वो प्रति हजार में है। प्रतिशत में कहेंगे तो आप एक दशमलव लगा दीजिए बस, तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर किसी जगह की लवणता 240 प्रति हजार या 24% हो जाए तो ऐसे जल को संतृप्त जल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त जल कहते हैं। यदि इससे ज्यादा लवणता हो जाती है तो अति संतृप्तता हो जाती है, और अति संतृप्तता का मतलब फिर वो जल नहीं बचता है, वो ठोस रूप लेना लग जाता है। जैसे कि ये जो मृत सागर हैं यहाँ आप चल सकते हैं, ये जो मैंने गेटेल तालाब बताया ये पूरी तरह से ठोस संरचना में बदल चुका है, क्योंकि पानी बचेगा क्या इतनी जब लवणता हो जाएगी। तो 240 प्रति हजार या 24% को संतृप्त लवणता की लिमिट कहते हैं। इससे ज्यादा लवणता होने पर वह अति संतृप्त हो जाएगा, ओवर सेचुरेट हो जाएगा और वो ठोस अवस्था में बदलने लगेगा। जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पर लवणता बढ़ेगी क्योंकि पानी उड़ता है, लवण नहीं उड़ते हैं। जहां स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी लवणता कम होगी, जहां प्रचलित पवने बह रही होगी तो वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा लवणता बढ़ जाएगी। महासागरीय जल की जहां पर गति होगी, ठंडा जल जहां पर आएगा वहां लवणता कम हो जाएगी। अब आते एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ज्वार भाटा, जिसे हम अंग्रेजी में टाइड्स कहते हैं।
ज्वार भाटा समुद्र के स्तर का बढ़ना और गिरना है, बढ़ने को ज्वार, गिरने को भाटा कहेंगे। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को एब भाटा कहते हैं। तो जैसे अब एक समझ आने के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि हो क्या रहा है रियल में। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों पर सूर्य की शक्ति चंद्रमा की तुलना में आधी लगेगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, चंद्रमा बहुत नजदीक है सूर्य की अपेक्षा, तो सूर्य की तुलना में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति डबल लगती है ज्वार भाटे में। तो यदि हम बात करें, मान लीजिए कि कोई भी जगह चंद्रमा के ठीक सामने आ जाए तो वहां का जो समुद्र है वो ऊपर उठने लगता है, और जितना समुद्र यहां ऊपर उठ रहा है ठीक उसके 180 डिग्री पर भी अब केंद्रीय बलों के कारण एक संतुलन उत्पन्न करने के लिए उतना ही पानी ऊपर उठता है, तो इन दोनों ही जगह पर ज्वार का निर्माण होता है और इस जगह पर भाटे का निर्माण होगा, तो यहाँ पर पानी का लेवल कम होगा और यहाँ पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो एक तरीके से सूर्य और चंद्रमा की अगर हम बात करें, ये चंद्रमा है ये सूर्य है, तो दोनों के आकर्षण के कारण हम देखेंगे कि ज्वार भाटे का निर्माण जो होता है, तो एक्चुअल में ज्वार कुछ नहीं है, समुद्र के चंद्रमा के सामने समुद्र का वो हिस्सा जो भी आएगा वह एक तरीके से उभार दिखाएगा, आकर्षण दिखाएगा, इसी को हम ज्वार कहेंगे। ठीक उसके अपकेंद्रीय बल के कारण ठीक विपरीत एक और ज्वार उत्पन्न होगा, तो ओवरऑल जो परिणामी ज्वार दिखाई देगा वो इस तरीके का पृथ्वी पर ज्वार दिखाई देता है। तो जब ज्वार आएगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, देखना ये पानी समुद्र का चढ़ता जाएगा, समुद्र का जल चढ़ता जाएगा, समुद्र का जल चढ़ता जाएगा, और फिर जब टाइड आएगा तो समुद्र के जल में, जल स्तर में कमी आएगी। एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था और हम हल कर चुके हैं, भारत में कौन सी जगह है, मैं बता देता हूं कौन से राज्य में, उड़ीसा में, जहां ज्वार भाटा बहुत ही मतलब ऊंचे वाले आते हैं कि जब भाटा आता है तो पानी इतना पीछे चला जाता है कि ऐसा लगता है कि हम समुद्र के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, 1-2 किलोमीटर तक, 1-2 किलोमीटर तक। उड़ीसा में चांदीपुर, क्या बात है, संतोष रावत और नितेश कनोटिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। निवेदिता ने भी उत्तर दिया है, नीतू सिंह ने भी उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, चांदीपुर। तो अच्छी बात है, चीजें आपने याद की है, रिवाइज की है। ज्वार का मतलब है पानी का ऊपर चढ़ना, भाटे का मतलब है पानी के स्तर का गिरना। जैसे इस चित्र को जरा गौर से देखिएगा, ये ज्वार, ये भाटा है जो उतर रहा है नीचे, अब देखना ज्वार आ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब भाटा आ रहा है, अब भाटा आ रहा है, पानी पीछे जा रहा है पीछे की ओर जा रहा है। तो अब हम, अब जैसे ये एब आ रहा है, अब ये यहां पर पानी का लेवल बढ़ना फिर उतरना शुरू हुआ, ये एब आ रहा है, फिर चढ़ना शुरू हुआ, फिर उतरना शुरू हुआ। इस पिक्चर पर जरा गौर करिएगा, यह आपको बताएगा कि समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ और गिरता हुआ। तो ज्वार मतलब समुद्र के स्तर का बढ़ना और गिरना। अब जरा यहां पर थोड़ा टाइम पीरियड पर मैं गौर करता हूं, एक मैं ग्लोब आपके सामने ला रहा हूं और फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके से ज्वार भाटे का टाइम पीरियड होता है। आइए जरा देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है। अब थोड़ा इमेजिन करना है आपको, मेरी बात समझनी है, ये चंद्रमा है ठीक, इसके ऊपर एक चंद्रमा है, चंद्रमा की हम अगर बात करें तो चंद्रमा मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ चंद्रमा है। अब पृथ्वी लगातार घूम रही है, पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं,
तो जनरली 24 घंटे के बाद किसी जगह पर ज्वार आना चाहिए था, लेकिन ज्वार 12 घंटे में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ज्वार एक जो आता है वो तो चंद्रमा के सामने आने पर आता है और एक ठीक उसके पीछे विकसित होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो जब चंद्रमा के सामने आया तो ज्वार उत्पन्न हुआ, और फिर जब चंद्रमा किसी और के सामने आएगा तो यहां पर फिर ज्वार आएगा और उसके ठीक अपोजिट में यहां फिर से ज्वार आएगा। तो जनरली ये तो आइडिया लग गया कि 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए था। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन जो ज्वार है वो 12 घंटे में नहीं मिलता, ज्वार 12 घंटे में नहीं मिलता, बल्कि 12 घंटे कुछ मिनटों में मिलता है, 12 घंटे कुछ मिनटों में मिलता है। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो एक ज्वार आने में प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। अब ये 26 मिनट क्यों लग रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सामने, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो अब मेरा ये कहना है कि जैसे मान लो कि ये जो जगह है वो वापिस चंद्रमा के सामने 12 घंटे के बाद आने वाली थी, चंद्रमा के सामने मतलब एक बार सामने और एक बार उसके अपोजिट, लेकिन इस 12 घंटों में चंद्रमा ने थोड़ा तो गति की होगी, क्योंकि चंद्रमा 28 दिनों में पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है, 29 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, तो इन 12 घंटों में वो थोड़ा सा तो आगे आया होगा। तो इस 12 घंटों में चंद्रमा की जगह थोड़ी सी आगे आने के कारण चंद्रमा के लिए ठीक सामने ही उस जगह को आने के लिए, मान लो कि 24 घंटे में वो जगह चंद्रमा के सामने आ जाती यदि चंद्रमा स्थिर होता तो, लेकिन चंद्रमा स्थिर नहीं है, चंद्रमा भी 24 घंटे में थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उस जगह को चंद्रमा के ठीक सामने आने में 52 मिनट ज्यादा लग गए। तो चंद्रमा किसी पर्टिकुलर जगह के सामने 24 घंटे 52 मिनट के बाद फिर आता है। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया है कि हर 24 घंटे 52 मिनट के बाद चंद्रमा ठीक सामने आता है उसी जगह के जहां कल आया था। तो इसी कारण से 12 घंटे 26 मिनट के बाद हर जगह पर ज्वार आता रहेगा। तो ज्वार के आने का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 घंटे 26 मिनट होता है। तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद फिर ज्वार आएगा, फिर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आज 10 बजे ज्वार आया था मान लेते हैं, तो अगला ज्वार जो आएगा वो 10:26 पर आएगा, रात के 10 बजे, ये सुबह के 10 बजे हैं, तो ये रात के 10:26 पर ज्वार आएगा। और इसी दौरान बीच में भाटा आएगा, तो 6:13 के बाद भाटा आएगा। तो हर 6:13 में ज्वार, फिर भाटा, फिर ज्वार, फिर भाटा, तो ज्वार, फिर भाटा, फिर ज्वार, फिर भाटा, इस तरीके से एक पूरे चक्र में एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटे आते हैं। 26 मिनट का यह अंतर पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण की जगह चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण कहेंगे। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, 1 बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट में साउथहैम्पटन है, वहाँ 4 बार आता है, और 4 बार इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ इंग्लिश चैनल भी हैं, और वहाँ पर हम देखेंगे कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ सागर भी हैं, इस कारण से वहाँ 4 बार आ जाता है। ज्वार भाटा की घटना केवल सागर पर नहीं बल्कि उन सभी चीजों पर लागू होती है जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन यह नदी, झीलों, तालाबों में बहुत छोटा जल होने के कारण महसूस नहीं हो पाता है। दीर्घ और उच्च ज्वार, एक विशेष प्रकार के ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या को जो आने वाले ज्वार होते हैं वो काफी बड़े ज्वार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की शक्ति जुड़ जाती है और इसलिए ज्वार सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। एक तरीके से तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा को आने वाले ज्वार सामान्य से ज्यादा बड़े ज्वार होते हैं, और उस कारण से 20% तक अधिक पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसे वृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। लघु या निम्न ज्वार, यह कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष मतलब सप्तमी या अष्टमी, जो बीच का टाइम पीरियड होता है,
तब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और एक दूसरे की शक्ति को कमजोर करने के कारण ज्वार सामान्य से भी कम आते हैं। तो यहाँ पर ये है न्यू मून और ये फुल मून, ये पूर्णिमा कहलाता है, ये अमावस्या कहलाता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार सबसे बड़े आते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तृतीय और एक तरीके से फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर मून को सबसे न्यूनतम ज्वार आते हैं, एक तरीके से कम ऊंचे ज्वार होते हैं। फिर अर्धदैनिक ज्वार, अब जरा इसे सुनना, जब किसी स्थान पर दिन में दो बार ज्वार भाटा आता है तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं, यही सामान्य ज्वार है दिन में। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर ज्वार केवल और केवल एक ही बार आता है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ जगह पर एक ही बार ज्वार क्यों आएगा। अब इमेजिन करो कि यहां पानी है, ये पानी है, तो यहां पर तो चंद्रमा सामने आ गया, पानी उठ गया, लेकिन हो सकता है पीछे जमीन हो, पीछे पूरा हिस्सा जमीन का हो। अब वो जमीन वाला हिस्सा जब सामने आएगा तो यहाँ कोई उभार नहीं हुआ तो यहाँ पीछे ज्वार भी नहीं आएगा। तो केवल एक ही बार ज्वार भी आ सकता है क्योंकि पीछे का हिस्सा एक तरीके से जमीन का हो। कुछ जगह पर जब चंद्रमा सामने आता है तो ज्वार ज्यादा बड़े आते हैं और कुछ जगह पर जब 180 डिग्री अपकेंद्री होता है तो ज्वार थोड़े कम हाइट के होते हैं, उन्हें मिश्रित ज्वार कहते हैं। तो अर्धदैनिक ज्वार मतलब दिन में दो बार ज्वार, दैनिक ज्वार मतलब दिन में एक ही बार ज्वार, मिश्रित ज्वार मतलब दोनों तरीके के बड़े और छोटे ज्वारों का एक साथ आना। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है और फंडी की खाड़ी आपको उत्तर अमेरिका में कनाडा के पास मिलेगा। आप देख सकते हैं पानी का लेवल देखिए कितना गिर जा रहा है और कितना ऊंचा बढ़ जाता है। पानी का लेवल देखिए, यहां पर इस जमीन को देखिए, पूरी पानी में डूब जाएगा। जो यहां पर पहले पानी नहीं था ये पूरा पानी में डूब रहा है। तो ये फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले सबसे ऊंचे ज्वार माने जाते हैं जहां पानी का लेवल सबसे ज्यादा बढ़ता है। लघु ज्वार भाटे के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होते हैं। लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय आता है। नहीं, लघु ज्वार भाटा ना पूर्ण चंद्र ना नव चंद्र पर बल्कि तृतीयांश पर आते हैं। तो आर गलत है और ए सही है। फिर प्रवाल भित्तियों पर आइए, तो प्रवाल भित्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में विकसित होती है। प्रवाल भित्ति केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही विकसित हो सकती है जहां का तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। स्वच्छ जल, और मतलब ज्यादा स्वच्छ जल नहीं, लवणता होनी चाहिए, एक तरीके से लवणता होनी चाहिए, कम गहरे क्षेत्र होने चाहिए, छिछला जल होना चाहिए क्योंकि सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, उन्हीं जगह पर प्रवाल भित्तियां मिलेगी। सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक में मिलता है। विश्व के कुल प्रवाल का 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में है, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ मिलती है आप देख सकते हैं, ये पूरे प्रवाल का क्षेत्र है, ये जो आपको जितना मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरे प्रवाल के क्षेत्र है। भारत में भी आप देख सकते हैं कि पूरा प्रवालीय क्षेत्र है, ये जो हमारा लक्षद्वीप है वो पूरा प्रवाल से मिलकर बना है, यहाँ पूरे प्रवाल मिलते हैं। अगर आप समुद्र की यात्रा पर जाएंगे और स्कूबा डाइविंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रवाल मिलेंगे। ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना तो फैल गए और कितना चाहिए, फिर भी आप देखें ना अटलांटिक महासागर में नहीं के बराबर है क्योंकि वहाँ पर पूरी ज्वालामुखी घटनाएं होती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों तरफ नहीं है क्योंकि ज्वालामुखी घटनाएं होती है। इस जगह पर जहाँ पर तापमान सारी परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं, प्रवाल एक्चुअल में जीव होते हैं जो पोरीफेरा वर्ग में रखे गए जीवों का समूह है जिन्हें कोरल के नाम से हम अंग्रेजी में कहते हैं। इनके साथ एल्गी ज़ूजेंथिन नामक सहजीविता संबंध दर्शाती है और यदि वो ज़ूजेंथिन मरने लग जाए तो प्रवाल का पूरी तरह से रंग उड़ जाता है, उसे कहते हैं विरंजन। विरंजन मतलब एक तरीके से कलर का उड़ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री का शब्द है विरंजन। ब्लीच, आप लोग अगर हेयर ब्लीचिंग करने भी जाते हैं, कुछ लोग
जो चेहरे पर बाल उगते हैं महिलाओं में, तो वो ब्लीच करने के लिए जाते हैं, H2O2 का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है। तो एक तरीके से जिन्हें गोरा होना होता है तो गोरे होने के लिए जो ब्लीच वाला पदार्थ उपयोग किया जाता है वो भी ब्लीचिंग एजेंट ही है, विरंजन ही कहलाता हिंदी में। तो प्रवाल का जो रंग है वो उड़ जाना, प्रवाल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं, सदाबहार वनों से ज्यादा जैव विविधता होती है, बहुत सारा पूरा का पूरा एक तरीके से क्षेत्र हम कहें सागरों का 2-2.5% ये कवर करते हैं, लेकिन 70% समुद्री जीव जंतुओं के लिए भोजन का प्रबंध यही करते हैं, इसलिए प्रवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि प्रवालों में जू जैंथिन की मौत हो जाती है तो इनका रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, जैसे चित्र में मैंने आपको दिखाया था काफी रंगीन अलग अलग दिखाई देते, और जब यहाँ पर इनका रंग उड़ जाता है तो उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल विरंजन कई कारणों से हो सकता है, तापमान में वृद्धि के कारण जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कई बार सौर विकिरण के कारण, पानी में कई प्रकार के रसायन या अवसादन के कारण, या फिर किसी प्रकार के समुद्री प्रदूषण के कारण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है, कच्चे तेल का रिसाव, रासायनिक पदार्थों का यहाँ पर मिलना, जैविक प्रदूषक ज्वालामुखी का प्रस्फुटन, यूट्रिफिकेशन अम्लीकरण, प्लास्टिक का मिलना, ये भी कई बार समुद्री प्रदूषण और प्रवालों के लिए भी जिम्मेदार है। हाल ही में एक अध्ययन में सब बात सामने आई कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक का वार्षिक प्रवाह 3 गुना बढ़कर 30 मिलियन मीट्रिक प्रति टन हो जाएगा। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रणाली पूरी तरह निष्फल हो चुकी है और कुल वैश्विक अपशिष्ट का केवल 20% हिस्सा ही प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होने लगा है। समुद्री संसाधन को आप एनसीईआरटी में से जरूर कवर कर लीजिएगा। समुद्री संसाधन के बारे में जो क्षेत्रीय टेरिटोरियल वाटर होता है वो 12 नॉटिकल मील तक मिलता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हमने भारत ने 200 नॉटिकल मील तक माना हुआ है, उसके बाद को हाई सी या ओपन सी कह देते हैं, इसी को याद रखिएगा। EEZ क्या होता है और समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण जो NCERT में किया हुआ है उसे जरूर देख लीजिएगा। ये जल धारा एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तरंग के आधार पर, ज्वार भाटे के आधार पर कई प्रकार की तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका उपयोग किया जा सकता है विद्युत उत्पादन में, तो इसे एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। विश्व के प्रमुख सागर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैपिंग की क्लास देख लीजिएगा जिसमें हमने विश्व के प्रमुख सागर, विश्व की प्रमुख झीलें कवर कराई हैं, उसे भी आप लोग मैपिंग में कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कई बार मैपिंग के सवाल आ जाते हैं। 7:30 बजे हम देखेंगे 365 सभी प्रकार की योजनाओं को, तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, सभी